जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारतीय कपास निगम लिमिटेड भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और ये भर्ती ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते है या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते पूरी जानकारी। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर सीसीआई और हिंदी में भारतीय कपास निगम लिमिटेड बोलते हैं। जॉब नेम यानी कि किन पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, तो यह आपकी भर्ती असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट एंड हिंदी ट्रांसलेटर के लिए निकाली गई है। टोटल वैकेंसी आपकी 75 है। जॉब लोकेशन आपकी नवी मुंबई, और साथ ही इसके अलावा आपकी मेनली पोस्टिंग अक्रॉस इंडिया के अंदर भी की जाएगी। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो आपकी रखी गई है वो आपकी 2 जनवरी 2020 है, और लास्ट डेट आपकी 27 जनवरी 2020 है, यानी कि 27 जनवरी 2020 तक आप लोग आवेदन कर पाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट्स कोटक्रॉप.org.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके फॉर्म फिलअप कैसे करना है इस बारे में कमेंट आते कि सर वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। पहले आप यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल और सैलरी जान लीजिए। आपकी जो पोस्ट नेम है वो यहाँ पर दिए गए और किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो भी आप चेक कर पा रहे हो। साथ ही जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको बेसिकली 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000, और जो आपकी जूनियर असिस्टेंट और हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है इस पर आपको 22,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आवेदन करने के लिए आपसे क्या योग्यता मांगी है, तो आपसे आवेदन करने के लिए बीई डिग्री, पीजी डिग्री, एमबीए, सीए या बीएससी, यानी कि इनमें से आपके पास कोई एक योग्यता होनी जरूरी है। और अगर आपको ये जानना कि एग्जैक्टली किस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ये जानकारी दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप एज लिमिट भी देख लीजिए। आपकी असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी और असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 32 साल के बीच है। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, और ओबीसी को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, और बाकी पोस्ट के लिए आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच रहनी चाहिए। सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। एप्लीकेशन फी यहां पर आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1,000 रुपये है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये रखी गई है, जो कि आपको ये एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड से जमा करनी होगी। अब मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़े चलता हूं। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसके बारे में यहां पर जानकारी अच्छे से चेक कर सकते हो। आपकी जो इंपोर्टेंट डेट्स है वो आप यहां से कंफर्म कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल और साथ ही उस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन, और दोस्तों सबसे जरूरी बात कि इसमें आपसे आवेदन करने के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा है, जो कि कम से कम 1 साल का आपके पास होना चाहिए, और किस डिपार्टमेंट में होना चाहिए वो भी आप यहां पर रीड कर पा रहे हो। इसलिए आप आवेदन करने से पहले अच्छे से इस जानकारी को यहां से चेक कर ले, और अगर आपके पास ये जानकारी है तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों यहां पर आपने जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी कंफर्म कर ली है। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर इसकी जो एज लिमिट है उसके बारे में भी जानकारी कंफर्म कर सकते हो। ये जानकारी भी आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। यहां पर आप एज लिमिट देख लीजिए, जो कि आपका एज क्राइटेरिया है। मिनिमम एज लिमिट सभी के लिए 18 साल है, जो कि आपकी 1 अक्टूबर 2019 तक काउंट की जाएगी, और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग है, और जो कि मैं आपको बता चुका हूं। यहां से सिर्फ आप ये चेक कर सकते हो कि जो जानकारी मैंने आपको अभी दी है वो जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है। तो दोस्तों ये थी आपकी भर्ती की पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।